तो गाइज वेलकम टू द माय चैनल गाइज। गाइज आज मैं जर्किंग के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। i10 है और ये ऑटोमेटिक i10 है, तो आज मैं जर्किंग के ऊपर ही बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, और इसको डायग्नोज करूँगा और आपके सामने शो करूँगा। तो इसमें देखता हूँ क्या इशू है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ गाइज। तो गाइज मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और गाइज एक मोटिवेशन मिले। गाइज मेरा वीडियो वॉच हो रहा है बट सब्सक्राइब कुछ कर नहीं रहा, वॉच करके छोड़ रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा गाइज। और मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलेगा तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा वीडियो कोई देख ही नहीं रहा, लाइक नहीं कर रहा। तो जब पसंद नहीं आएगा गाइज आपको तो मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माई कैनिंग टू इट फर्स्ट वन देन टू गो टू वॉच माई वीडियो गाइज, प्लीज़ डू इट फर्स्ट वन। सो लेट गेट स्टार्ट मेकिंग वीडियो गाइज। तो गाइज अब स्टार्ट करूँगा और देखूँगा क्या है इसमें इशू। गाइज देख सकते हैं ऑटोमेटिक है, इसमें ब्रेक पैड एक्सीलेटर, बाकी सबको पता ही है। गाइज अभी आरपीएम 1000 दिखा रहा है और गाड़ी का फायरिंग बराबर नहीं है। देख रहे हैं इसका फायरिंग कैसा है, पक 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 सब कुछ आ रहा है। तो ये ऑटो शिफ्ट गियर है इसके अंदर, तो ठीक है चलते हैं इंजन रूम में देखते हैं क्या इशू है। और गाइस इसमें एक चीज़ दिखा के आप चलते हैं इंजन रूम में, इसमें जो MI लाइट है, मॉल फंक्शन लाइट बोलते हैं, ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है तो देखते हैं क्या इशू है। और अभी विदाउट स्कैनिंग का करेंगे, अगर कुछ मेजर क्रिटिकल रहेगा तो फिर स्कैन करूंगा गाड़ी। तो अभी बोनट ओपन करूंगा गाइस और दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी स्टार्ट रखा हूं। और गाइस मैं कभी भी अगर चेक करना रहेगा ना फायरिंग, तो थोड़ा एक्सेल को पकड़ के रखूंगा। देख सकते कुछ पहला तो गाइस इंजन जर्क मार रहा है और जर्किंग के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा और दिखाया आपको MI लाइट इंडिकेशन आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है MI लाइट। तो आवाज़ सुन सकते हैं गाइस कैसा है इसका फायरिंग है। तो गाइस MI अभी मैं AC ऑन करता हूँ। तो गाइस आवाज़ सुन रहे हैं ऐसा पक 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 फायरिंग आ रहा है इसका, और लाइट ब्लिंक कर रहा है जो MI लाइट है, मॉल फंक्शन लाइट बोलते हैं इसको, देख सकते हैं। तो गाइस मैं साइलेंसर की आवाज़ सुनाता हूँ आपको, कैसा आवाज़ आ रहा है। तो गाइस साइलेंसर का आवाज़ सुन सकते हैं। i10 कापा इंजन इसके अंदर, गाइस देख सकते हैं इंजन कैसा ही ला, बहुत क्योंकि वायरिंग बराबर में सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। देखता हूँ स्पार्क प्लग का एक लीटर कॉइल का क्या इशू है। जब मैं एयर फिल्टर निकालूंगा
और ये फिर का बोल्ट खोल दिया यहाँ का, इस बोल्ट खोल दी, तीन बोल्ट आते हैं उसको, तीन बोल्ट से अटैच रहता है और एक यहाँ से एयर सक करते ही रहता है और एक यूज़ करने का रहता है। तो मैं निकालूँगा इसको और देखता हूँ क्या इसके अंदर जर्किंग क्यों मार रहा, क्या इसमें इग्निटर कॉइल का वायर का क्या है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा वो और रिपीट करके चेक करूँगा। तो जब वो गाड़ी स्टार्ट करूँगा और एक एक करके चेक करूँगा। तो देख सकते हैं आरपीएम गाड़ी स्टार्ट है अभी, सबसे पहले ये सब करूँगा। सबसे पहले इग्निटर कॉइल चेक करने के, इसमें करंट कितना ब्रेक हो रहा है, तो इसमें बराबर आ रहा है। अभी की गाड़ियों में मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, अभी की गाड़ियों में हाई कंप्रेशन इंजन रहता है, तो जब ज़्यादा वीक हो जाता है तो टेक्नीशियन समझ जाता है और मशीनरी ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। क्योंकि कंप्रेशन इतना रहता है ना, इसका जर्किंग बहुत माइनर रहेगा तो मालूम नहीं पड़ता है, ज़्यादा रहेगा एकदम मुड़ गया रहेगा, पानी काम करता रहेगा या स्पार्क लग गया हुआ है तो फट करके आदमी समझ जाएगा, लेकिन नॉर्मल रहेगा तो आदमी को कंफ्यूज हो जाता है समझने में, डायग्नोज करने में तो उससे टाइम लग जाता है, नहीं तो होता ही नहीं। तो आज हम इसी के ऊपर बताएंगे कैसे चेक करने का आपको दिखाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके अंदर प्रॉब्लम है और उसके अंदर ही है। स्पार्क प्लग से लेकर के इग्निटर कॉइल तक तो इसी के, ये दोनों के बीच में है, तीन आइटम में, या तो वायर में या तो स्पार्क प्लग या तो इग्निटर कॉइल। गाइस देख सकते हैं जो एक नंबर का है ये निकाल रहा हूँ, तो कुछ इंजन में फर्क नहीं दिख रहा है वो निकालने से, बस स्पार्क प्लग स्पार्क छोड़ रहा था, पता नहीं देख सकते हैं स्पार्क छोड़ रहा आवाज़ आ रही स्पार्क का, बट इंजन में कुछ शक नहीं आ रहा, जैसे जर्क मार रहा था वैसे ही है। और आप मैं दूसरा दिखाऊँगा दो नंबर का, अब बंद पड़ रहा है गाड़ी, बंद पड़ गया दो नंबर का निकाला तो आपको दिखाऊँ, वापस स्टार्ट करता हूँ गाड़ी। दो नंबर निकाला तो बंद पड़ गई गाड़ी, अब तीसरा नंबर निकालता हूँ, थर्ड नंबर, तो इसमें भी बहुत जर्क मार रहा है। देख सकते हैं कि कंटिन्यू स्पार्क हो रहा है और जर्क मार रहा हूँ उठाने से, देखो ऐसा गाइस वो एक नंबर का काम नहीं कर रहा बराबर, जैसे कि चार नंबर है, चार नंबर तीन नंबर बराबर वर्किंग कर रहा है और एक नंबर का है, तो देखते हैं स्पार्क प्लग का इशू है या स्पार्क प्लग वायर का इशू है, कुछ तो है। तो मैं स्पार्क प्लग रिमूव आउट करूँगा और दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। करता हूँ गाड़ी बंद और स्पार्क प्लग बाहर निकालता हूँ, फिर आप लोग के समझ में आएगा क्या इसकी है इसके अंदर। तो गाइस मैं वायर अभी निकाल दिया हूँ सब वायर और अभी स्पार्क प्लग बाहर निकालने वाला हूँ, रिमूव आउट करूँगा।
तो स्पार्क प्लग ऐसे ही निकालने के, स्पार्क प्लग और अंदर डालने का, पहला पूरा लूज कर देने का। तो गाइस अभी एक नंबर है, देखते हैं कैसा है। तो गाइस देखते देख सकते हैं एक नंबर एकदम काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि इंजेक्टर डायरेक्ट हो गया है या स्पार्क प्लग काम ही नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इसका स्पार्क प्लग इधर का उधर इंटरचेंज मारूंगा, और उसके बाद में भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाने का कि स्पार्क प्लग जो वायर है, एसटी केबल बोलते हैं जिसको मैं हाथ में पकड़ा हूँ, इसमें कुछ तो रहेगा इशू। नहीं तो एक मीटर कॉइल में है, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि जो एसटी केबल है स्पार्क प्लग का वायर ही इसमें मिस्टेक है। और क्या करने का गाइस, इस कंडीशन में स्पार्क प्लग इधर का उधर लगा के देखने का, उसके बाद में भी अगर सेम स्पार्क प्लग ऐसा इशू दिखा रहा है तो समझ जाना कि स्पार्क प्लग का मिस्टेक नहीं है, वायर का मिस्टेक है। वायर भी इधर उधर इंटरचेंज मार के आप कर सकते हो, वायर पर आपको डाउट है तो वायर भी इधर उधर आप सेम दिखा रहा है, वायर बदली करने के बाद इस बार का समझ जाना कि एक मीटर कॉइल का इशू है। तो चलते हैं, अब देखते हैं। तो भाई अभी मैं एक नंबर का है, तो एक नंबर काम नहीं कर रहा है, ये पूरा गिल्ला है। और अभी एक नंबर दो नंबर में डालते हैं, इसको क्लीन नहीं करने, कभी भी इंटरचेंज करो तो क्लीन मत करने, तो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे ऐसे ही सेम कंडीशन में डालने का। अभी मैं इसको दो नंबर में डालता हूँ क्योंकि एक ही नंबर काम नहीं कर रहा था, और ये दो नंबर वाला एक नंबर में डालता हूँ। तो कोई काम किया, इसको क्लीन नहीं किया है, देखता हूँ स्टार्ट करता हूँ इसको, दोनों को देख सकते हैं गाइस अभी फुल टाइट मैंने इसको मार दिया है। और मैं स्पार्क प्लग वायर लगाऊंगा, सारी लगाऊंगा। गाइस ये मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो क्या है इसको मैं कर लूँगा फटाफट, ताकि थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में ताकि सामने वाले को पता चले। तो गाइस मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, अभी स्पार्क प्लग इधर का उधर कर दिया हूँ, तो अब देखता हूँ कि सेम सिलेंडर में बता रहा है कि क्या है। और गाइस का किलोमीटर भी देख सकते हैं, 66,000 चली है। गाड़ी बहुत कम चली गाइस, 6,669 किलोमीटर्स का आप देख सकते हैं, बहुत कम चला है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्रेशन वगैरह का कुछ इशू नहीं है इसका। अभी गाइस एक नंबर निकाला तो गाड़ी बंद पड़ गई, इसका मतलब इस पास वाला कम स्टिक है। तो गाइस ये जो आपको बता रहा हूँ मैं वीडियो में, गाइस एक्चुअली ये मेरा जो नॉलेज है, मैं मर्सिडीज में अप्लाई करता हूँ, जो V6 इंजन होता है मर्सिडीज और ऑडी में, ये सब गाड़ियों में मैं अप्लाई करता हूँ सब, क्योंकि वो सब गाड़ी में ऐसे चेक करने का रहता है, इसका पार्ट्स बहुत कॉस्टली होता है और कंफर्म करना रहता है, मेक श्योर करना रहता है कि एग्जैक्टली है क्या। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है और खाली वॉच कर रहा है तो कर लीजिए प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ मैकेनिक हु वाज वॉचिंग माई वीडियो। गाइस एक नंबर निकाला बंद पड़ गई, अभी दो नंबर निकालता हूँ। गाइस अभी दो नंबर निकालने से गलती है, तो स्पार्क प्लग में अभी नया मंगाऊंगा और रिप्लेस कर दूंगा। और इस केबल है, केबल भी डाल ही दूंगा, एक्चुअली मिस्टेक है स्पार्क प्लग का, पर केबल भी स्पार्क प्लग मंगा के डालता हूँ गाइस मैं, स्पार्क प्लग रिप्लेस करूँगा और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने स्पार्क प्लग 4 मंगा लिया हूँ और ये जूना वाला है जो कि एक फेल था, अभी चारों में मंगाया, चारों डालूंगा रिप्लेस करूँगा। तो गाइस ये स्पार्क प्लग अभी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ,
और कभी इंस्टॉल के लिए इसको इजीली आराम से डाल लीजिए।